तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो आज हम जा रहे हैं अमित शाह की रैली में। तो वहाँ मिलेंगे हम लोगों से और देखेंगे रैली में अमित शाह क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि अमित शाह पहली बार रजौरी में यहाँ पर रैली कर रहे हैं। तो देखेंगे। कि तू सारी रूह हो, तू सारी जान हो। लीडर इसका हवाई पाकिस्तान वहां से मिलने की बुलंद, लेकिन इन तमाम लोगों ने अपना दिल जो है हिंदुस्तान के साथ लगा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जब से हिंदुस्तान के अंदर आई है, तब से हिंदू मुस्लिम सिख आप भाईचारे को उन्होंने कामयाब रखा है। मेरे भाइयों, आज अमित शाह साहब यहाँ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस जन सभा को देखकर कोई बहुत बड़ा आवाज करने वाले होंगे। मैं इस नई की रूप से जनाब अमित शाह साहब को यह कहूंगा कि मैं बहादुरपुर के इलाका का रहने वाला हूँ। बहादुरपुर इलाका वो इलाका है जहाँ से सीधा गोलाबारी जो है वो पूछ के इलाके में पड़ती है। वहाँ के लोग चाहे हिंदू हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, चाहे सिख हूँ, चाहे ईसाई हूँ, वो सब लोग उगड़े बटन रखने वाले लोग हैं। मैं अपने भाइयों से पुरजोर अपील करूंगा के हाथ उठाकर मेरे नारे का जो शब्द है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, गुज्जर पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला तुसियां लैन आयो, Thank you.
एसटी मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। अरे भाई पीर पंजाल से दिल्ली का आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मूर्ति पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू के नेता और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र और जम्मू के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी और आप सबके प्रतिनिधि जिनको मोदी जी ने अभी अभी राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया है। इंजीनियर साहब आगे आओ, जरा आगे आओ, सब लोग ताली बजाओ। इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे गुर्जर बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों को पहाड़ियों की है। आपके पुत्रों ने
चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि तीन परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला दी। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो इतनी दो नकदी धूप के अंदर डेढ़ घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं आपके अधिकारों को। ये तीन परिवारों ने अब तक आपसे छीना है, ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय और धन्यवाद आप सबके समक्ष।